इसराइल ने ईरान से 1 अक्टूबर के हमले का बदला ले लिया। 26 अक्टूबर को अचानक से इसराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। शुरुआत में तो सिर्फ यही पता चल पाया था कि इस हमले में इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन अब ईरान को इस हमले से कितना नुकसान पहुंचा है इसका अंदाजा होने लगा है। ऊपर से अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी दे दी है कि इसराइल पर जवाबी हमला करना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम ईरान को इसराइल के हमले से कितना नुकसान हुआ है इस पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। ईरान की ओर से अब इजरायली हमले की पुष्टि कर दी गई है। ईरानी एयरफोर्स ने हवाई हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि इनसे सिर्फ उसे सीमित नुकसान हुआ है, यानी लिमिटेड डैमेज हुआ है। ये भी कहा है कि सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले से 2 ईरानी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। हालांकि ईरान ने दोनों सैनिकों की पहचान उजागर नहीं की है, लेकिन असल में ईरान को इससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में शनिवार को हुए हमले में देश के राष्ट्रीय पुलिस बल के 10 सदस्यों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दावा किया गया है कि इजरायली हमलों में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल की सॉलिड फ्यूल फैसिलिटी तबाह हो गई है। के सामने इतने बड़े स्तर पर हुए नुकसान को छिपाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो बार बार ये कह रहा है कि इजरायली हमलों से उसे सिर्फ सीमित नुकसान हुआ है और इसराइल हमले को लेकर बढ़ा चढ़ाकर दावे कर रहा है, ऐसा ईरान का मानना है। इसके साथ ही ईरान ने अपने नागरिकों से शांत और एकजुट रहने की अपील कर दी है और यह भी कहा है कि सिर्फ सरकारी मीडिया की खबरों पर भरोसा करें और बाकी सब अफवाहें हैं उन पर ध्यान न दें। यानी वो पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करना चाह रहा है ईरान के अंदर उनके लोगों के बीच। वहीं ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के कई हिस्सों में ब्लास्ट जैसी आवाज़ें सुनाई दी, खास तौर पर तेहरान के पश्चिमी इलाके में। ईरानी मीडिया के मुताबिक राजधानी और उसके निकटवर्ती जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर कई घंटों तक विस्फोट होते रहे। घटना का समय 26 अक्टूबर की देर रात 2 बजे के आसपास का बताया गया है। ये वही समय है जब इसराइल ने दावा किया कि उसने ईरान पर हमला किया। ये जानकारी ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने सूत्रों के हवाले से साझा की है। इस घटना के बाद ईरान समर्थित आतंकी समूह ने इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स और इलियट में ड्रोन हमलों का दावा किया। ईरान के साथ साथ इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के बेत लाहिया में 6 इमारतों पर बमबारी कर दी, जिसमें करीब 45 लोग मारे गए हैं। वहीं इजरायली सेना ने कहा है कि उसने ईरान में अपने टारगेट हमले पूरे किए हैं। मिसाइल बनाने के सामान और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के जखीरे पर हमला किया गया और ईरान को चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान की सरकार ने तनाव का नया दौर शुरू करने की गलती की तो वह जवाब देने के लिए बाध्य होंगे। इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि उसके सभी फाइटर जेट्स हमले के बाद सुरक्षित रूप से वापस घर लौट आए हैं। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए मिडिल ईस्ट के देश अलर्ट मोड पर आ गए हैं। इजिप्ट के नागरिक उड्डयन मंत्री ने इराक की राजधानी बगदाद और उत्तरी इराकी शहर अरबिल के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। साथ ही ताज़ा जानकारी के मुताबिक ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता सीन सेवेट ने कहा है कि इसराइल के इस हमले का जवाब ईरान ज़रूर देगा। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को अब इसराइल के इस हमले का जवाब देने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उसके लिए हालात और गंभीर हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहना यह है कि ये तनाव और लंबा खिंचेगा और शायद अब इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका ने उनको अलर्ट पर कर दिया है। यानी अगर ईरान कोई मूवमेंट करता है तो जवाब अब अमेरिका भी देगा इसराइल के पक्ष में आकर के। कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है, वोलेटाइल सिचुएशन है। हमारी नज़रें सभी अपडेट्स पर बनी हुई हैं, जो भी घटनाएं होंगी हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।